देख सकते हो हैदराबाद की पहाड़ी पे यहाँ पे जिंदा करामत हुई है। बाबा जान ने अपने एक अंगूठे से यहाँ पे पानी को जाहिर कर दिया, सुभान अल्लाह। और आप देख सकते हो तो इस गुफा के अंदर लेडीज नॉट अलाउ है, यहीं पर बैठ करके बाबा जान ने 11 साल तक इबादत की है, सुभान। कितना बड़ा पत्थर है और ये पत्थर आज भी देखिए यहाँ पे हवा में लटका हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पे भाई पत्थर के नीचे बैठे हुए हैं। भाई ये पत्थर नहीं गिरता? मैं तो ये कहूंगा कि बच्चे और लेडीज नहीं आए और बुजुर्ग नहीं आए इधर तरफ तो ज्यादा बेटर है ना, रास्ते से तो आना मत क्योंकि ये रास्ता बहुत फिसलन वाला, अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला ना भाई तो आप नीचे गिर सकते। आज पहली बार ये जिंदा करामत अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ। देखिए शेर के पंजे का निशान बना हुआ है और यहाँ पे चिराग रखा हुआ अंदर। देखिए कई लोग आते हैं, फूल पेश करते हैं, चिराग जलाते हैं नाइट में, रात को चिराग पेश करते हैं और अपने अकीदत का नजराना पेश करते शेर चीते वगैरह सरकार की गुलामी में थे, सुभान अल्लाह, मतलब गुलामी करते थे सरकार की। मैं आप लोगों को हैदराबाद की एक ऐसी करामाती दरगाह पे लेकर के आया हूँ बाबा शरफुद्दीन की, जहाँ के तालाब के झरने के पानी से नहाने पे आपकी जल्दी जल्दी शादी हो जाती है और आपके घर में जो भी प्रॉब्लम परेशानी है वो दूर हो जाती है दरगाह के 7 बार चक्कर लगाने से। तो चलो चलते हैं, जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं, पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि आपको समझ में आए। और ऑटो रिक्शा और कहाँ से मिलेगा, कितना प्राइस लगेगा, तो पूरा जानकारी करते हैं आपको बताते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم گائز، میں آپ کا دوست مشتاق خان یوٹیوبر۔ تو فائنلی آج کا بلاگ میرا یہ ہے کہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں کی فیمس اور بڑی درگاہ ہے پہاڑی شریف بابا شرف الدین، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ جب میں حیدرآباد سب سے پہلی بار آیا تھا نا، یعنی 14 یا 15 تاریخ کو، جب سے میں نے پلاننگ بنا رکھی تھی ہم دونوں نے کہ بابا کی بارگاہ پہ سب سے پہلے جائیں گے، زیارت کریں گے۔ پر دیکھو قسمت ایسی ہماری कि आज के दिन बारिश हो रही, 2-3 दिन से हम लोग जा ही नहीं पा रहे और हमारी किस्मत ऐसी ख़राब हो रखी पूछो मत। और आज के दिन हम लोग जैसे ही जाने की कोशिश कर रहे हैं ना तो बारिश हो गई, बारिश हो गई। तो फिर वो बात और वो कहावत सही हो जाती है कि बाबा जिन्हें बुलाते हैं वही आते हैं। तो देख लो हमारे साथ यही सीन हो रहा है, शायद बाबा जान बारिश में भिगाते हुए बुलाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास, मेरी ट्रेन है रात दिन के 3 बजे की है, पर 2 बजे मेरे को कैसे भी करके स्टेशन पहुँचना है। उससे पहले मैंने सोचा बाबा शरफुद्दीन की दरगाह की ज़रूरत कराऊं। मैंने सुबह 9 बजे से प्लानिंग बना रखी पर फिर भी नहीं जा पा रहे हम, पर अब हम जा रहे हैं 11:30 बजे। अब जैसा भी होगा, जितना भी होगा, आपको वीडियो को मतलब वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, ज़रूरत कराएंगे और आज हैदराबाद में कैसी बारिश हो रही वो बताते हैं। तो चलते हैं हमारे भाई के साथ। हमारा भाई बहुत मदद कर रहा है यार, जब से आए हो बंदे ने वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा मदद करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे भाई की एक्टिवा है, हम भीगेंगे भिगाएंगे थोड़ा चलाते हुए जाएंगे। चलो जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, बाबा शरफुद्दीन की दरगाह पे पहाड़ी शरीफ। मौलाली की बारगाह का हमने तो भाग दौड़ के बना ही दिया था वीडियो, अब यहाँ जाते हैं, जितना हो सकेगा वीडियो बना के दिखाते हैं। देखिए हैदराबाद शहर, बारिश का मौसम, यहाँ पर अवेसी साहब के नाम का पूरा हॉस्पिटल आ गया है ना, अवेसी साहब के नाम का यहाँ पर पूरा हॉस्पिटल आ गया। यहाँ पर भी दरगाह है, देखिए कितनी खूबसूरत ओमानी आर्किटेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। ये पूरा इधर कब्रिस्तान एरिया है, देखिए पूरा कब्रिस्तान दरगाह। देखिए ग्रेविया, अच्छा कब्रिस्तान। और एक चीज़ आपको बता दूं, जब आप हैदराबाद में आओगे तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मस्जिद और यहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेंगे, मतलब हैदराबाद पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है, छोटे छोटे पहाड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे हैदराबाद शहर। तो आप देख सकते हो हम बाबा शरफुद्दीन की दरगाह पहुँचने वाले हैं, सामने गेट आप देख सकते हो कितना खूबसूरत गेट है यहाँ पे, और इस गेट को कहा जाता है कमान, है ना। अभी चल रहे हैं अंदर जाके ज़ियारत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। छोटा सा कुआं बना हुआ है यहाँ पे, देखिए चिल्ला चिल्ला ये भी ना, ये देखिए गौस पाक के जगह जगह चिल्ले बनाए हुए हैं यहाँ पर हैदराबाद में आपको देखने को मिले। ये देखिए पूरी पहाड़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, अभी जितना हम लोग चढ़ सकते चढ़ेंगे। ये देखिए फूल चादर की दुकान है यहाँ पर, जितना गाड़ी जहाँ तक जा पाएगी वहाँ तक जाएंगे, फिर उसके बाद में पैदल जाएंगे। ये देखिए आते भाई आते, जैसे बने हुए हैं। देखिए हम लोग पहाड़ी शरीफ दरगाह पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे फूल चादर की दुकान है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी लेता हूँ और फिर इसके बाद ऊपर जाता हूँ,
और आप लोगों को ज़ियारत कराते हैं। फूल चादर ले रहे हैं, यहाँ पे फूल चादर की दुकान है, आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे भाई कितने रुपए के फूल मिलते हैं? मतलब मिल जाते हैं, मतलब 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जैसा लो। अच्छा, जैसा फूल चाहिए आपको दरबार में पेश करने के लिए मिल जाएगा। और चादर कितने रुपए से स्टार्ट है भाई? 150 का है, 200 का है। 150-200 रुपए वाली चादर भी मिल जाती है, आप दरबार में पेश करने जा सकते हैं। और यहाँ पे सामने देखिए कुछ होटल है, मतलब खाने पीने की भी चीज़ें मिलेगी। ऊपर भी होटल है क्या? ऊपर भी है होटल, तो देखिए यहाँ पर भी होटल है। आप सामने भी एक गुम्बद शरीफ नज़र आ रहा है, वो भी दरगाह शरीफ है क्या? अच्छा अच्छा, देखिए मकाम हर जगह बनाए हुए हैं, अभी दरगाह शरीफ जाके ज़ियारत कराते हैं। दुकान है, आप यहाँ पे कुछ खाते पीते भी जा सकते हैं नाश्ता करके। बूंदी ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, मीठी बूंदी है और तीखी बूंदी है। ये भी कितने रुपए की भैया? ये कितने रुपए की? 60 रुपए किलो। 60 रुपए की पाव किलो है। देखिए यहाँ पे बूंदी है, आप खा सकते हो, ये तीखी है, ये मीठी है। अब चलते हैं ऊपर जाके आपको ज़ियारत करते हैं। अरे बाप रे, ये देखिए पैर सीढ़ी बनी हुई है, पूरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अंदाजन कितनी सीढ़ी होगी यहाँ पे, क्या लगता है कितनी सीढ़ी होंगी अंदाजन? 400 सुनने में आया तुम्हारे को? अच्छा 400। तो देखो आज हमारा भाई 200 सीढ़ी उस दिन नहीं चला था, पर आज 400 सीढ़ियाँ मेरा भाई सर चलेगा आज मेरे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये बाबा हैं, इनसे पूछते। बाबा यहाँ पे ये पूरी दरगाह तक कितनी सीढ़ी होंगी अंदाजन? 360 यानी लगभग तुमने सही बताया, 360 यानी 400 के आसपास है ना? सही है, 360 सीढ़ियाँ हैं ये पूरी, चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, चढ़ के जाना पड़ता, पहाड़ी शरीफ कहते हैं इसको। बहुत खूबसूरत दरगाह शरीफ है, हम जा रहे हैं ज़ियारत करते हैं, आप लोगों को भी ज़ियारत कराते हैं। यहाँ पर हर जगह मकाम, इस तरीके से मज़ार आपको दिखेंगी बनी हुई ज़्यादातर। ये देखिए ऊपर आज कुछ चल रहा है, है ना? क्या हो रहा? हाँ क्या हो रहा? हल्का यानी, हल्का यानी फातिया या दो? अच्छा अच्छा ठीक। ये देखिए यहाँ पर भी मज़ारत मौजूद है, बहुत सारी खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। अभी हम लोग जा रहे हैं चढ़ते हुए पूरा कब्रिस्तान एरिया है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत गेट है यहाँ पर, और हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी शरीफ दरगाह, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, बहुत करामाती दरगाह है माशाल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी सीढ़ियाँ, यहाँ पे चढ़ के जाना पड़ता है, सामने पूरी मज़ार आते हैं। देखिए आज हमारा भाई आइयो थक गए भाई थक गए यार, क्योंकि देखो मेरा तो क्या है, मैं तो दरगाह में जाता रहता हूँ, बहुत सारी ऊँची पहाड़ियों वाली दरगाहों की ज़ियारत करता रहता हूँ, तो मेरा तो आदत हो गई, पर मेरा भाई ज़्यादा चढ़ता नहीं है, इस वजह से थक गया। अभी थोड़ा आराम करते फिर चलते हैं। यहाँ देखिए पूरी मज़ारत यहाँ पे बहुत सारी, देखिए यहाँ पर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, नीचे एक और बारगाह थी, देखिए यहाँ पे एक और दरबारगाह है, यहाँ पर भी आप ज़ियारत करते हुए जा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़ायरीन आए हुए। कहाँ से भाई आप लोग? हैदराबाद से ही हो? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। कित मैं अजमेर शरीफ से। तो आप भी अजमेर से? ये है क्या? तो आप लोग साल में कितनी बार यहाँ पर आ जाते दरबार में? रोज आते। अच्छा रोज आते हैं माशाल्लाह। यहाँ के बारे में बचपन से क्या सुनते हुए आ रहे हैं, आप कुछ बता सकते हैं? आप तो नहीं सुने कोई। बस आते हैं, हाँ दिल लगता है, ज़ियारत करते हैं और सुकून मिलता है, यानी सुकून की पहले से। ठीक है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खान भाई, मिले यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। सारे भाई हैदराबाद के हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, भाई से मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई को लाइक फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बहुत पूछते हैं आप लोग कहाँ से जनाब? हैदराबाद से ही है माशाल्लाह। देखिए हर साल ज़ियारत के लिए यहाँ पर आते हैं, चाहे हैदराबाद के हो चाहे बाहर के हो, हर जगह के लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए थोड़ी सीढ़ी है, अब ऊपर चढ़ के जाता हूँ, एक दरवाज़ा दिखाऊंगा मैं गाइस। एक दरगाह शरीफ का मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ का गुम्बद और जहाँ का दरवाज़ा का वीडियो मैंने सही से बना नहीं पाया था, तो मैंने क्या करा था कि मैंने यहाँ का जो ये दरवाज़ा है, यहाँ का जो ये गेट है, इसका वीडियो बनाया। तो देखिए गाइस ये वाली बहुत खड़ी सीढ़ी है, हम चढ़ के जा रहे हैं, हमारा भाई मेरी मोहब्बत में इतना ज़्यादा चढ़ चढ़ के इधर से उधर जा रहा, देखिए माशाल्लाह। और क्यों ना जाए यार, बारगाह इलाही है, इतने सारे दरबार वली अल्लाह के, जाहिर सी बात है जाना लाजमी है। तो ये जो गेट है, इसी गेट के बारे में मैं जिक्र कर रहा था,
ये गेट का वीडियो मैंने एक इस गेट का जो फ़ोटो था मैंने एक वीडियो में मेरे में लगाया था, तो किसी ने कहा अरे ये तो हैदराबाद की दरगाह की पहाड़ी शरीफ का गेट का फ़ोटो है। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये यहाँ का है माशाल्लाह। और ये दक्कन के शहंशाह की बार का है ना। हाँ। ये दक्कन की सबसे बड़ी दरगाह है। हाँ। माशाल्लाह। और यहाँ से देखिए पूरा आपको हैदराबाद शहर देखने को मिलेगा। देखिए चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ हैदराबाद शहर, सुभानअल्लाह। देखिए अब यहीं से पास में ही एयरपोर्ट है शमशाबाद, है ना। इधर है किधर है दरवाजा उस साइड में, है ना। यहीं पे पास में पहाड़ी पहाड़ी शरीफ के मतलब पीछे साइड में शमशाबाद एयरपोर्ट है। और देखिए पूरी चट्टान वाली पहाड़ है। और यहाँ से देखिए पूरा शहर दिखता है, बहुत ही खूबसूरत मंजर लगता है। चलते हैं अंदर, आपको ज़ियारत करते हैं और आपको ज़ियारत कराते हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह पहाड़ी शरीफ की दरगाह है। आज बारिश का मौसम था, सुबह से बारिश हो रही थी। अच्छा चश्मा है क्या? ओहो माशाल्लाह, आज बारिश का मौसम था, सुबह से बारिश हो रही थी, तो ज़्यादा जारी यहाँ पे अभी नज़र कम आएंगे। यहाँ पे ये पूरा पानी है ना, देखे। अच्छा अच्छा, सरकार यहाँ पे वजू फरमाते थे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, देखिए बाबा शरफुद्दीन यहाँ पे वजू फरमाते थे, इसलिए यहाँ पे ये पूरा बहुत बड़ा बावड़ी बना हुआ है। यहाँ ऊपर जाना है जरत पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए और भी अभी सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, यहाँ दुकान वगैरह है, और चढ़ के अभी जाते हैं जरत करते हैं। यहाँ पे फूल चादर की दुकान है, आप फूल चादर भी लेके जा सकते हैं। देखिए और ये देखिए अभी थोड़ी बहुत और, ये पूरा ऐसा लग रहा किला है ना, पूरा किला ऐसा लग रहा पूरा किला बना हुआ है। माशाल्लाह देखिए, ये आपको ऐसा महसूस होगा पूरा किला बना हुआ है। देखिए पहाड़ी के ऊपर किला। कुछ समय पहले इनका यहाँ पे मार्च में है ना, 9 to 15 मार्च तक यहाँ का उर्स चला था, 16 to शाबान हिजरी यहाँ पे उर्स की तारीख लिखी हुई है। देखिए हाँ 17 को संदल हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में। 757 और सभी गया है, पहुँच गए। बहुत ज़्यादा लंबा ऊपर चढ़ना पड़ता है यार। इसी तरीके से अजमेर शरीफ की बड़े पीर की दरगाह थी, मैं वहाँ पर भी चढ़ के गया था और आपको पूरी जानकारी दी थी। आज यहाँ पे भी दूंगा। सुभान अल्लाह, ये देखे अभी नीचे भी वो, ये दरगाह शरीफ है, एक बताएंगे अभी नीचे भी दरगाह शरीफ खूबसूरत। ये प्यारी मस्जिद है नहीं शायद, देखिए ये मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। ये दरबार अब यहाँ की जानकारी खादिम साहब से लेके देते हैं आप लोग। यहाँ पर भी देखिए मज़ार मौजूद है, देखिए यहाँ पर फूल भाई पेश कर रहे हैं। चलो तो आप देख सकते हो हैदराबाद के इस दरगाह में कुछ इस तरीके से दरबार पे जायरीन जो आते हैं उन लोगों को दुआ करी जाती है, बाबा हुजूर की बारगाह पे आप लोगों के लिए मन्नत मुरादी की जाती है। और इसके साथ साथ मैं धोने के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर लोभान होता है, यहाँ की खाक में क्या कैसे शिफा है वो पूरा बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये जायरीन जो आए हुए हैं यहाँ पे चक्कर क्यों लगाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं घूम घूम करके, तो अभी इसके बारे में भी मैं जानकारी करके आपको बताऊँगा। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पर दरबार पर आते हैं, जो भी मन्नत मुरादी होती है मांगते हैं लोग, दुआएँ करते हैं, और इंशाल्लाह इनके सदके वसीले से अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी दुआएं कबूल करता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए भी दुआ कर देता हूं बाबा जान की बारगाह पे कि ऐ बाबा जान, जो भी मेरे सब्सक्राइबर आपके वीडियो देख रहे हैं उनके घर पे जो भी तकलीफ परेशानी जो भी बीमारी है, इंशाल्लाह आपके सदके वसीले मेरे सब्सक्राइबर के घर में जो भी परेशानी है जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाए, सुभान अल्लाह। मैं हैदराबाद में, और हैदराबाद में मैं बाबा शरफुद्दीन की बारगाह पे ज़ियारत पे आया हूँ, तो आज मैं इन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लूँगा। यहाँ के जो गद्दी नशीन या खादिम साहब कह सकते हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आते हैं, इनकी क्या करामत है।
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرت قطب الاختاب شہنشاہ دکن سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی عراقی رحمت اللہ علیہ آپ جو ہے سو عراق سے حیدرآباد تشریف لائے ہیں جی اور آپ کے خلیفہ جو ہے سو حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ بانی سہروردی سلسلے کے بانی ہیں وہی سلسلے سے ان کے پہلے خلیفہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کی مزار مبارک پہاڑی شریف میں مدفون ہیں جی اور ان کی کیا کرامت ہے حیدرآباد میں جب وہ آئے ہندوستان میں جب تشریف لائے پہلے آپ دلی پہ گئے وہاں پر جو بادشاہ شمس الدین التمش کی حکومت تھی وہاں پر آپ تشریف لے کے گئے پھر وہاں سے 9 سال پورے ہندوستان کا دورہ کیا جی 9 سال دورہ کرنے کے بعد حیدرآباد تشریف لائے حیدرآباد تشریف لانے کے بعد میں یہاں سے حیدرآباد سے 11 کلومیٹر کی دوری پہ جنوب کی طرف بالا پور بول کے گاؤں ہیں وہاں پر آپ چلا کشی کرے ہیں جی جو ہر سال وہیں سے درگاہ شریف کا سندل نکالا جاتا ہے جو سندل قدیم سندل کے نام سے مشہور ہے یہ ان کا عرس کب ہوتا ہے 16 شعبان 16 شعبان سے 22 شعبان تک تقاریب عرس شریف کی منائی جاتی ہیں کتنے دنوں کا ہوتا ہے 7 روز تقاریب منائی جاتی ہے ٹھیک ہے ان کا کیا واقعہ ملتا ہے واقعہ تو بہت سارے ہیں کہ یہاں پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے مذہب کے بلوں مذہب و ملت آتے ہیں اور اپنے بابا صاحب کی جو ہے سو فیض سے دستیاب ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں ماشاء اللہ ان کا کچھ واقعہ ان کی کوئی کرامت بتائیں ہمیں ایک کرامت ویسے تو ہزاروں کرامت ہیں ان کی پر ایک دو کرامت ایسا بتائیں جو نالج ہو لوگوں کو کراماتیں تو ایسے بہت ساری ہے یہاں پر جو ہے سو ایک نابینا شخص جو ہے سو منت کیا تھا جی کہ اگر میں اس کی جو ہے سو آنکھوں کی بینائی اس کی چلے گئی تھی جی تو انہیں منت کیا تھا کہ اگر میری یہ بینائی واپس آ جائیں گی جی تو میں جو ہے سو ایک سو ایک روپیہ جو ہے سو درگاہ کی سرکار کے غلے میں نظر پیش کروں گا جی تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک شخص جو ہے سو یہاں پر منت لے کے آیا تھا کہ اس کی جو ہے سو لڑکی کی شادی تھی جی شادی کے لیے جو ہے سو اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا رشتہ داروں کے پاس دوست احباب کے پاس انہیں جو ہے سو قرضے کے لیے طلب کرا کہیں بھی انتظام نہیں ہوا جی رسوا ہو کر انہیں جو ہے سو آخری میں بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیا اور یہاں پر آ کے جو ہے سو زیارت کر کے مسجد میں جا کے آرام کرا ہو جی تو جب بھی جو ہے سو نابینا شخص نیت کر کے پیسوں کی جو چلر کی پوٹلی تھی 101 کی انہیں جو ہے سو اپنے سرانے رکھ کے سویا بولا کہ اگر میری بینائی واپس آ گئی تو میں یہ حضرت کے غلے میں جو ہے سو یہ نظر ڈال دوں گا جی تو جب وہ اسی کے بازو جو ہے سو جو شخص پریشان تھا اس کی لڑکی کی شادی ہونے کا تھا اس کے پیسوں کی ضرورت تھی انہیں وہیں پر بازو سو رہا تھا تو اس کے دل میں ایسا اس کو ہو رہا کہ یہ بازو جو شخص تیرے سو رہا اس کے سر کے نیچے کی پوٹلی لے کے چلے گا اچھا جی اس کے دل میں ایک ایسا ہو رہا تھا اس کو جی تو انہیں ایک دم پریشان ہو گیا ایسا کوئی آ کے اس کو جو ہے سو اٹھا کے بولے کہ تو یہ لے کے چلے گا ایک بار اٹھا آزو بازو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے وہ ایک شخص نابینا سو رہا بازو لکڑی ہے اس کے جی انہیں سو گیا پھر دوسری بار بھی انہیں سو گیا تو پھر اس کو ویسے ہوا کہ تو یہ لے کے چلے جا پھر تیسری بار ہوا تو انہیں پریشان ہو کے دیکھا تو وہ بازو جو شخص سو رہا تھا اس کے سر کے نیچے جو ہے سو ایک پوٹی رکھے گی تھی جی تو انہیں کیا کرا اس کو ہاتھ لگایا تو اس میں پیسے چلر رکھے ہوا ہے جی انہیں یہ آگرہ پکڑ کے وہ لے کے کھینچ کے بھاگتے انہیں جو نابینا شخص تھا انہیں ہڑبڑا کے اٹھا کر میرے پیسے لے لیا پیسے لے لیا بول کے ہڑبڑا کے اٹھا جی اٹھتے انہیں جا کے دیوار بھی جیسے ٹکرا گیا جی جاتے اس کی آنکھوں کی بنائی آ گئی ماشاء اللہ تو یہ مطلب یہاں بابا جان کی بارگاہ پہ زندہ کرامت ہوئی ہے اور یہاں پہ ویسے بھی ماشاء اللہ بہت ساری کرامت ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی اچھا ایک چیز اور ہے میں نے یہاں راستے میں ابھی جب میں آ رہا تھا میں نے دیکھا یہ بہت اونچا پہاڑ ہے اور اتنے اونچے پہاڑ میں ایک پانی کا پورا موجود ہونا یہ بھی کوئی کرامت سے کم نہیں ہے کیا واقعہ یہاں کا جھرنے ہیں وہ جو نیچے جو چشمہ ہے نا جی جو بھی یہ سو لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے جی اور کسی کے اوپر کچھ اثرات بلیات وغیرہ ہیں جی تو وہ بابا سرکار کا چلے مبارک ہے آپ جہاں سے عبادت کرے تھے جی اسی کے نیچے سے جو ہے سو جھرنے ہیں اچھا وہیں سے وہ پانی آ کے اس میں
ठहरता है, तो वो पानी नहलाने से जो बच्चियों की शादी नहीं होती उनके रिश्ते जम जाते हैं, जिसके के आँख अगर कुछ गलैया वगैरह रहे जी, तो वो पानी नहलाने से उनको असरात से वो लोग की निजात मिलती है माशाल्लाह, मतलब शिफायात हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे तवाब कर रहे हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं तवाब मतलब गोल चक्कर लगा रहे हैं? आते हैं यहाँ पर ये बुजुर्गान दीन का आस्थान है जो है सो अल्लाह की रहमत का ये मस्कन है जी, और यहाँ पर 24 घंटे अल्लाह का जिक्र इस्कार चलता है जी, तो अल्लाह की रहमत यहाँ पर बरसती है बेशक। तो जो भी यहाँ पर मन्नत और मुराद लेकर बारगाह में आते हैं और बुजुर्गान दीन के इर्द गिर्द जब फिरते हैं तो उनके आँख में जो रूहानी बलैयात वगैरह जो रहते हैं वो दफा हो जाते हैं माशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? ज़्यादा असलियत नहीं होती। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने दरबार शरीफ की ज़ियारत करा दिया है माशाल्लाह, और काफ़ी खूबसूरत बारगाह है, आप आएँ यहाँ पर तो आप ज़ियारत करें। और यहाँ पे शाम के टाइम धुनी भी होती ना हज़रत यहाँ पर? शाम को धुनी भी होती, धुनी धुना? अच्छा अच्छा, देखिए शाम के टाइम यहाँ पे धुनी भी होती है। और ये जो खाक आप देख रहे हैं, अगर कोई बीमार रहता, कोई परेशान रहता है तो ये खाक देते हैं यहाँ पे तबर्रुक के तौर पे लोगों को, ज़ायरीनों को, और इंशाल्लाह इनके सदके वसीले से अल्लाह ताला जल्दी जल्दी ठीक भी कर देता। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये किन का मज़ार बताया आपने? अच्छा अच्छा, ये भतीजे की बारगाह है और ये बाबा दान की बारगाह है, आप देख सकते हो। محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة होता है। तबर्रुक के तौर पे क्या क्या देते हैं यहाँ पर? तबर्रुक के तौर पे मीठी बूंदी अगरबत्ती की, मतलब यहाँ पे बूंदी पेश करते हैं ना, कई लोग आते हैं फातिया कराते हैं बूंदी पेश करके सिन्नी के तौर पे लेकर के जाते हैं। देखिए माशाल्लाह, एक मेरे को और एक भाई को दिया, मैं अजमेर शरीफ लेके जाता इसको माशाल्लाह। एक चश्मा है यहाँ पर पूरे पहाड़ के ऊपर, एक ही चश्मा यहाँ पे देखिए माशाल्लाह। एक चीज़ बता दूं गाइस कि ये सामने जो आप देख रहे हो ये पूरा, ये आप चश्मा देख सकते हो, यानी एक कह सकते हो कुंड है, ये पानी का चश्मा यहाँ से चिल्ले मुबारक से आता है, और ये सरकार कहा जाता है कि यहाँ पर बैठ करके इबादत करा करते थे। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ और आप लोगों को ज़रूरत वहाँ पे भी कराता हूँ जा करके, बाजू से ही रास्ता है पूरा। देखिए हम लोग वहाँ दरबार में जा रहे थे, उससे पहले मेरे को ये पत्थर दिखा है तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये पत्थर दिखे बिल्कुल हवा में लटका हुआ है, एक भी जगह जोड़ नहीं है ना कुछ है, दिखे माशाल्लाह। ये भी एक कह सकते हो बाबा जान की करामत, नहीं तो क्या है। ये पहाड़ी शरीफ है और पहाड़ी शरीफ में इतना बड़ा पत्थर देखिए हवा में लटका हुआ है, सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर इतना बड़ा पत्थर है यार, ये काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, ज़ियारत करते हैं और ज़ियारत करके जाते हैं। देखिए ये कितना बड़ा पत्थर है, और ये पत्थर आज भी देखिए यहाँ पर हवा में लटका हुआ है माशाल्लाह। देखिए यहाँ पर भाई पत्थर के नीचे बैठे हुए हैं, और कहीं पे भी देखिए कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, पूरा खाली है, देखिए पूरा ढलाई है, और यहाँ से ज़रा सा भी ये पत्थर अगर हिला तो नीचे जा सकता। पर देखिए ये भी करामत है कि देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही
इतने से जोड़ में ही देखिए यहाँ पे पत्थर रुका हुआ है, और बीच में सांसें भी मौजूद है, देखिए बीच में सांसें भी मौजूद है। देखिए भाई ये पत्थर नहीं गिरता क्यों? बेशक, मतलब करामत है बाबा जान की ये पत्थर पूरा इतना बड़ा रुका हुआ है आज भी। हाँ माशाल्लाह, देखिए ये भी अल्लाह की शान है यार। आप पहाड़ी शरीफ में अगर आएंगे तो देखिए कर ये अल्लाह के वली की ऐसी करामत है, अल्लाह की शान है कि देखिए इतना बड़ा पत्थर पूरा हवा में आज भी लटका हुआ है, और ये पूरी खाई है नीचे, ये जरा सा भी हवा चला तो नीचे पत्थर जा सकता है पर नहीं जा रहा है, आज भी ये पत्थर यहाँ पर रुका हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये नीचे सरकार का इबादत गुजरात थे, वहाँ पे इबादत करते थे सरकार जी। जब सरकार इबादत करते थे तो क्या होता था नीचे? सरकार का वहाँ पे शेर का पंजा है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर शेर का पंजा है, सरकार नीचे इबादत करते थे। अच्छा, और अब जब सरकार इबादत में करते रहते तो पूरे शेर चीते वगैरह सरकार की गुलामी में थे। सुभान अल्लाह, मतलब गुलामी करते थे सरकार की, और ये पूरा उन्हीं के पूरा ये जितना भी देख रहे हैं आप हाँ। सरकार का ये इलाका है माशाल्लाह, मतलब सरकार के है। अच्छा 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 माशाल्लाह है। तो चलिए जो शेर के पंजे हैं वहाँ पर मैं जाके दिखाता हूँ, यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का, पर ये रास्ता बहुत खतरनाक है, कई लोग बच बच करके जाते हैं। आप कहाँ से जाते हैं ये मालूम नहीं? अच्छा ये रास्ता है क्या जाने का तुम्हें जा रहे? देखिए बहुत खतरनाक रास्ता, थोड़ा पिसलन वाला रास्ता है। ये हमारे भाई लोग हैं, यहाँ कहाँ के हो तुम लोग? अच्छा तालाब कटा, ये हैदराबाद की है। तो ये थोड़ा पिसलन वाला रास्ता है, पर हम लोग जाएंगे नीचे और ज़रूरत करेंगे आपको। तो ये कहूँगा कि बच्चे और लेडीज नहीं आए और बुजुर्ग नहीं आए इधर तरफ, तो ज़्यादा बेटर है ना, उस तरफ से आए तो ज़्यादा बेटर है। ये वाले रास्ते से तो आना मत, क्योंकि ये रास्ता बहुत पिसलन वाला, अगर थोड़ा सा भी पैर पिसला ना भाई तो आप नीचे गिर सकते। अरे बाबा मैं गिर रहा है भाई। देखिए भी हमारा भाई वीडियो बनाने में मदद कर रहा है, हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ कितने किलोमीटर दूरी पे रहते हैं आप? अजीत भाई की है? जरा अजीत भाई। अच्छा अच्छा, देखो हमारा भाई वहीं रुक गया, क्योंकि वो बंदा अगर नीचे आता तो पिसल के गिर जाता था, तो इसलिए वो नहीं आया। पूरा जंगली एरिया है, हम लोग यहाँ से गुजरते हुए अभी आए हैं, अभी बारिश हो रही थी। अल्लाह अकबर, अरे हाँ यार माशाल्लाह, देखिए शेर के पंजे का निशान बना हुआ है। आज पहली बार ये जिंदा करामत अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए शेर के पंजे का निशान बना हुआ है, देखिए यहाँ पर शेर के पंजे का निशान पूरा आपको साफ नजर आ जाएगा, काफी बड़ा शेर के पंजे का निशान है। देखिए और यहाँ पे चिराग रखा हुआ अंदर, देखिए कई लोग आते हैं फूल पेश करते हैं, चिराग जलाते हैं नाइट में, रात को चिराग पेश करते हैं और अपने अकीदत का नजराना पेश करते हैं। यहाँ पे कई लोग अकीदत मन लोग आते हैं और जरत करते हैं। देखिए ये क्या है, ये बनाया भाई झरना है, देखिए झरना है यहाँ पर निशान बनाया हुआ है। देखिए तो आप देख सकते हो ये जो गड्ढा आपको नजर आ रहा है, तो कहा जाता है कि बाबा जान ने अपना अंगूठा शरीफ को इस पत्थर पे पहाड़ पे रखा था, तो इसमें पानी जारी हो गया था, चश्मा जारी हो गया था। तो आप देख सकते हो सर्दी हो या बारिश का मौसम हो तो यहाँ पे पानी भर जाता है और लोग आते हैं ज़ियारत करते हैं यहाँ कर भी। और सामने एक पत्थर रखा है, वहाँ पर कुर्सी बनी हुई है जहाँ पे अपने आप पत्थर कुर्सी में तब्दील हो गई है, और ये कोई निशान है इसके बारे में मुझे पता नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है और यहाँ पर अंदर ज़ियारत है, कहा जाता है कि बहुत जन यहाँ पर बैठ के इबादत करते था ना। तो आपने देखा पहले एक चिल्ला मुबारक था वहाँ पर भी है, और एक ये दूसरा चिल्ला मुबारक है, कहा जाता है जहाँ पे देख सकते हो लेडीज नॉट अलाउ लिखा हुआ है, और कहा जाता है कि बाबा जान ने 11 साल तक यहाँ पे इबादत करी थी और 11 साल तक वहाँ पर इबादत करी थी। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं कैसा है। देखिए यहाँ पर भाई हैं एक जो बैठे हैं, कुछ जिक्र इलाही कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और सामने दरबार है आप ज़ियारत करें जहाँ पर बाबा जान बैठ करके इबादत किया करते थे माशाल्लाह, आप देख सकते हो। देखिए इबादत गाह है, अभी चलते हैं यहाँ पर, देखिए काफ़ी सारी कब्रें मौजूद है बंद है। देखिए यहाँ पर भी एक इबादत गाह बनी हुई है पर यह अभी बंद है।
ये देखिए यहाँ पे अरबी में उर्दू में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ये इबादतगाह है, अभी बंद है, ज़ियारत करके जा सकते हो। इसी के बारे में आपने बताया, यहाँ पे वजू करते थे बाबा जान, यहाँ पे वजू करने के बाद वो जो पहाड़ ऊपर वहाँ पर बैठ करके इबादत करते थे, है ना, माशाल्लाह देखिए। और आज भी इस पानी से काफ़ी लोग शिफायात होते हैं, इस पानी में नहाने के बाद खासी तादाद में लोग शिफायात होकर के जाते हैं, है ना। बिल्कुल बेशक, सही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे, भाई ये बताओ कि जैसे ये बाबा शरफुद्दीन की दरगाह हैदराबाद की चार मीनार से अगर कोई आ रहा है तो कितना किलोमीटर दूर और क्या चार्ज लगता है? एग्जैक्ट शेयरिंग में आ रहे बोले तो चालीस रुपए लगेगा। अच्छा शेयरिंग में आए तो कितने आदमी आ सकते हैं? शेयरिंग में पीछे तीन जनों, सामने एक जन। अच्छा चार आदमी आ सकते हैं। और अगर सिंगल पर्सन आ रहा है पूरा बुक करके तो करार लेके आ रहा है तो 150 रुपये, 150 से 200 रुपये लग जाते हैं। और हैदराबाद के रेलवे स्टेशन से 250 रुपये लगते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, दुआ में याद रखिएगा। क्या बंद कर लाइक सब्सक्राइब करिए भाई का चैनल जी, और सब जगह फैलाइए भाई का, व्हाट्सएप पे पे हर जगह फैलाइए भाई, कहाँ अपने यहाँ जाके लाइफ में बताइए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कह दीजिए शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हैदराबाद दोबारा आया तो भाई से मुलाकात होगी। ठीक है।